नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, दिग्गज निर्देशक ओम राउत जिनकी पिछली फिल्म जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था जिसका नाम था तानाजी द अनसंग वॉरियर और उसमें अजय देवगन प्रमुख भूमिका में थे। दोस्तों, इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड इस फिल्म को मिला है। तो दोस्तों, अब ओम राउत से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है। तो ओम राउत की जो अगला प्रोजेक्ट है, जो अगली फिल्म रिलीज होने वाली है, वो आदि पुरुष, जिसमें प्रभास, कृति सेनन तथा सैफ अली खान प्रमुख भूमिका में है। और दोस्तों, ये एक माइथोलॉजिकल पीरियड मूवी है जिसमें प्रभास भगवान श्री राम का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं सैफ अली खान लंकेश यानी कि रावण के रोल में नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये फिल्म काफी बड़े बजट पे बनाई गई है, करीब 500 करोड़ रुपए इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन इसमें VFX का इस्तेमाल किया गया है, इसके विजुअल्स आपको हैरान कर देंगे। मतलब दावा किया जा रहा है कि ऐसे विजुअल्स इस फिल्म में दिखाई देंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। फिलहाल दोस्तों, इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का कार्य जारी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये फिल्म 12 जनवरी 2023 को यानी कि संक्रांति के अवसर पर रिलीज होने वाली है। दोस्तों, आप जानते हैं साउथ में संक्रांति त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़े स्तर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों, उस समय ये फिल्म रिलीज होगी आदि पुरुष, लेकिन अब खबर ये है कि आदि पुरुष फिल्म का क्लेश एक और बड़ी फिल्म मेगा स्टार चिरंजीवी की भी एक फिल्म है जो कि संक्रांति के अवसर पर ही रिलीज होने वाली है। हालांकि उसका अभी टाइटल तय नहीं किया गया, लेकिन फिलहाल इस फिल्म को अनटाइटल रखा गया है। हालांकि फिलहाल इसका टाइटल मेगा 154 रखा गया है। इसमें साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी प्रमुख भूमिका में, और ये भी बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस फिल्म को बनाया जा रहा है, इसमें सुपरस्टार रामचरण का भी एक कैमियो नजर आने वाला है। तो दोस्तों, ये दोनों बड़ी फिल्में आपस में क्लेश करने वाली है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। आपको ये भी बता दूं कि चिरंजीवी की पिछली फिल्म आचार्य बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी, वहीं प्रभास की भी पिछली फिल्म जो राधेश्याम थी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। तो दोनों के लिए ही ये फिल्में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि इस क्लेश से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हालांकि जब भी दो बड़ी फिल्मों का क्लेश होता है तो दोनों ही फिल्मों को नुकसान होता है, लेकिन दोस्तों इन दोनों फिल्मों का क्लेश देखने लायक जरूर होने वाला है, क्योंकि दोनों ही काफी बड़े स्टार है, दोनों ही मेगा स्टार है। आदि पुरुष के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आदि पुरुष का तो बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है। और ओम राउत की पिछली फिल्म तानाजी के द्वारा नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उनसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। और ओम राउत के पीछे आजकल बॉलीवुड निर्माताओं की मतलब कतार लगी हुई है, वे सभी चाहते हैं, जिनमें भूषण कुमार भी शामिल है, कि ओम राउत उनकी फिल्मों का डायरेक्शन करे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।